गाइज वेलकम टू आर्यन एजुकेशन चैनल। सभी बच्चों का मैं आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों मैं आज आपको बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बताऊंगा। इस प्रकार का आप क्वेश्चन आपको कोई बताया नहीं होगा बच्चों, तो आप मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। बच्चों आप लोगों से को मैं अच्छा से अच्छा टॉपिक्स पे वीडियो हमेशा प्रोवाइड करता रहूंगा। मुझे बच्चों आप लोगों से दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चों आप मेरी वीडियो को तो देखते हैं लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बच्चों तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बच्चों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बच्चों आपको इसी प्रकार से वैदिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हमेशा बताता रहूंगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया होगा, पहले इसका नियम देख लें। इसमें क्या करना है, देखिए बच्चों क्या करना होगा कि जैसे दो टू डिजिट का दिया गया है तो इसमें आपको ये देखना है कि दोनों यूनिट का डिजिट जो होगा सम होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 8+2 क्या होगा, 10 होना चाहिए। और ये जो रिमेनिंग डिजिट है बच्चों वो सेम होना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए इसमें बहुत ही सरल तरीका है, आप बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बच्चों कुछ नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना होगा, 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब बच्चों जो सेम नंबर है 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3 हो गया। और इसमें जो है ये नंबर जो है इसको सेम रहने देंगे तो यह क्या हो गया कि 3 × 2 क्या हो गया, 6 हो गया। और ये हो जाएगा हमारा 616 हो जाएगा। अब बच्चों इस तरह से आप समझ में आया आपको कि जो ये नंबर होगा यह सेम रहेगा और इसमें 2 में 1 ऐड कर देंगे, 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूसरा नंबर देख रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा ये जो है 3 डिजिट का नंबर है तो इसमें भी सेम वही नियम आपको अपनाना है। तो आपको क्या करना होगा तो देखें, 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 21 आ जाएगा। और इसमें 13 में आपको 1 जोड़ लेना है तो 13 में 1 जोड़ लीजिए तो क्या होगा, 14 होगा। और इसमें जो है 13 को सेम रखना है तो अब इसको कर लेंगे क्या होगा, तो 14 × 13 अब इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 13 × 4 क्या होगा, 13 × 4 होता है 52 होगा। और 13 × 5 = 18 हो जाएगा। तो इस तरह से जब हम इसको करेंगे बच्चों तो हमारा क्या होगा, 182 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको दो क्वेश्चन बताया। यदि बच्चों आपके लिए जरूर हेल्पफुल हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। मैं आपको इसी प्रकार का वैदिक मैथमेटिक्स का अच्छा से अच्छा टिप्स पे वीडियो हमेशा प्रोवाइड करता रहूंगा। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं बच्चों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। तो गुड आफ्टरनून।